ये छोटा सा प्रोग्राम रखा गया था। आज हम बात करेंगे दीपावली के महत्व के बारे में। दीपावली पर प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। ये हमने सबको बात बताई थी, दिखाई भी थी। और भारत में बहुत त्योहार और पर्वों से भरा भरा है, तो उन त्योहारों में दीपावली मुख्य त्योहार है। दीपावली का शाब्दिक अर्थ होता है दीपों की अंगुली अर्थात दीपों की माला। तो दीपावली पर्व के पीछे भी कई कथाएं जुड़ी हुई है। जिस प्रकार कोई पर्व अपने भारत में मनाया जाता है, तो कोई ना पर्व के पीछे कोई ना कोई कथाएं या कहानी जुड़ी हुई रहती है। उसी प्रकार ये दीपावली पर्व के पीछे भी बहुत सारी कथाएं जुड़ी हुई है। तो एक कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम रावण का वध करके अयोध्या वापस लौट रहे थे, तो उसका एक राम को पता होगा, राम चार भाई थे, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। तो भरत सबसे प्रिय था, राम भगवान को सबसे ज्यादा चाहते थे। तो राम के चार भाई में राम को सबसे ज्यादा प्यारा था भाई, वो था भरत। और भरत सबको मालूम होगा वो केकेयी के संतान थे, और राम सबसे बड़ा भाई था। तो भरत अब उस समय ये लाइट सब की व्यवस्था नहीं थी, जनरेटर सब की व्यवस्था नहीं थी, जो भरत चाहते थे कि पूरा पंडाल सजा देता लाइट से। तो सूर्य भगवान से मदद मांगने गया था कौन, भरत। और सूर्य भगवान से बोलते हैं कि भगवान, राम भगवान अयोध्या वापस लौट रहे हैं, उसकी स्वागत के लिए हमें आपकी आवश्यकता है, कृपया मेरी मदद करें। तो सूर्य भगवान कहे, देखो मैं तो सिर्फ दिन में उगता हूं। ये सबको मालूम होगा कि सूर्य भगवान दिन में ही उगते हैं, रात में नहीं उगते हैं। बोला, हमसे दिन में जितना मांगना चाहता है उतना हम तुम्हारा हेल्प कर सकते हैं, लेकिन मैं रात में नहीं उठ सकता। अगर रात में उठ गए तो ये प्रकृति के खिलाफ होगा। तो सूर्य भगवान से मदद मांगने गए थे भरत। तो सबको पता है कि सूर्य तो दिन में उगते हैं, और भरत का साथ नहीं दिया, सूर्य भगवान कैसे देगा, वो तो दिन में नहीं मतलब दिन में उगते हैं, रात में तो उसका कोई गुजारा नहीं है। तो अब सूर्य भगवान से बात करते हैं भरत, अब क्या करें, हम किसके पास जाएं। आपको ऊर्जा को तो देवता कहा जाता है, सूर्य देवता आपको सूर्य भगवान को कहा जाता है, कैसे आपकी अब कहां जाएं, किसके पास जाएं। तो सूर्य भगवान समझाते हैं, देखो तुम चले जाओ चंदा मामा के पास, वही तुम्हारा हेल्प करेंगे, क्योंकि उसे हम लोग रात की रानी भी कहते हैं। सबको मालूम होगा कि चंद्रमा रात में उठते हैं, मैं तो नहीं कर सकता है। और सूर्य भगवान समझा देते हैं कि तुम चंद्रमा के पास ही चले जाओ, और चंद्रमा ही तुम्हारा मदद कर सकता है। और भरत जो कि राम के भाई थे, वो कहां चल जाते हैं, चंद्रमा के पास चल जाते हैं, और चंद्रमा की अपनी सारी बात बताते हैं कि मेरे भगवान श्री राम अयोध्या वापस लौट रहे हैं, उसकी स्वागत के लिए हमें आपकी बहुत मदद है, बहुत ज्यादा मदद है, आप कृपया मेरी मदद करें, आप पूरे अयोध्या वासी को जगमगा दें ताकि हम राम का अच्छी तरह स्वागत कर सकें। लेकिन सबको मालूम होगा अमावस्या के दिन चंद्रमा नहीं उगता, सबको मालूम है ना। तो प्यार से समझाते हैं चंदा मामा कि देखो भरत, मैं तो सिर्फ अमावस्या में उगता हूं,
मुझे चंद्रमा में उड़ने का कोई अधिकार नहीं है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ये बात चंद्रमा जैसे ही चंद्रमा की बात जैसे ही सुने भरत पूरा व्याकुल हो जाते हैं। अब क्या हो, सूर्य भगवान के पास गए करोड़ों के चंद्रमा को सारा हाल बताने लगे। आपसे पहले मैं सूर्य भगवान के पास गया, वो भी इनकार कर दिए। आपको तो रात की रानी कहा जाता है, आप भी इनकार कर दिए। मैं किसके पास जाऊं, पूरा व्याकुल हो गए, घर वापस लौट गए। कहां घर था उसका? अयोध्या। और धरती माता के गोद में लेट गया। धरती माता के गोद में लेटने का मतलब वो धरती पे लौट गया, रोने लगा, बोले अब मैं क्या करूं। जिसके पास गया कोई हेल्प नहीं किया, अब भगवान श्री राम का मैं कैसे स्वागत करूं। तो धरती माँ प्रकट होती है और धरती माँ बोलती है, बेटे उठ जा, रोते क्यों हो। तो धरती माँ को भी सारा हाल बताया गया कि माँ तू तो जानती है भगवान श्री राम अयोध्या वापस लौटने वाले हैं, उसकी स्वागत के लिए। सूर्य भगवान के पास गया तो वो भी इनकार कर दिए, कोई हेल्प नहीं किया। चंदा बाबा के पास गए, वो भी इनकार कर दिए। अब मैं क्या करूं, कैसे भगवान श्री राम का स्वागत करूं। बोला बेटा उठ जा, मेरी माटी ले ले और इसी से दीप बना और पूरा अयोध्या तेल और माटी से जला दे। तभी से तभी उसको उपाय सोचा, वाह कितनी अच्छी माँ तो माँ होती है ना। तो भरत उस धरती माँ की बात मानी, उन्होंने दीप मटी लिया और उसे दीप जलाकर दीप बाती लगाकर पूरे अयोध्यावासी जगा दिए। कहा जाता है तभी से दीपावली पर्व मनाया जाने लगा।